हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लॉ। तो आज के सीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि AIBE 16 ऑलरेडी हो चुका है, अभी जो होने वाला है वो है AIBE 17। और कई सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं कि AIBE एग्जाम क्या है और इसे कैसे क्लियर करते हैं, कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज है, कैसे आप क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे जिससे कि पहली ही बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो AIBE है वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी AIBE क्या है, AIBE के एग्जाम पैटर्न के बारे में, AIBE के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप AIBE क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। और एक बात, मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबके डिस्क्रिप्शन को चेक किया करिए क्योंकि मैं वीडियोस में जो भी बोलती हूँ वो सारे के सारे जो भी मैं बोलती हूँ, इम्पोर्टेंट नोट्स या इम्पोर्टेंट सेक्शन टॉपिक्स जो भी मैं बताती हूँ आप सबको, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन पे नोट करती हूँ। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। अभी AIBE का जो भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में, तो सिलेबस को भी मैं पूरा अच्छे से मैं नोट बना के डिस्क्रिप्शन में उसको अच्छे से लिख दूंगी, तो आप प्लीज उसको देखिएगा। आप चाहे तो नोट डाउन भी उसको कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको पता भी होगा AIBE क्या है। देखिए, अगर LLB तो पास कर लिया आपने, अब LLB पास करने के बाद अगर आप आगे करियर बनाना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, आप एडवोकेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइसेंस की जरूरत होती है आपको, तो फिर उसके लिए AIBE जो है ये एग्जाम आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आप AIBE क्लियर नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों तक तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक आप कोर्ट जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने तक कोर्ट जा सकते हैं आप। लेकिन परमानेंटली थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को आप क्लियर नहीं करेंगे। तो देखिए, LLB पास करते ही आपको AIBE देना होता है, ठीक है। AIBE का जो एग्जाम है ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है टोटल, और इसमें से जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स इसमें पास मार्क होता है, यानी कि 100 नंबर में से 40 नंबर आपको लाने हैं जो कि पास मार्क है। और इसमें सारे MCQs क्वेश्चन होते हैं, सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, टिक मार्क वाला इसमें सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो AIBE के सिलेबस को जानने से पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो AIBE है, जैसे मैंने आपसे वो बताया कि इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। ड्यूरेशन 3 आवर्स 30 मिनट्स, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन पे नोट करूंगी, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ मैंने आपको कहा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है इसमें और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक तो हमने यही सुना है कि AIBE का जो एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अभी जो AIBE 17 में जो नया नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, अब BCI क्या नोटिफिकेशन देती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। इसमें और एक बात, जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 40% लाना होता है, लेकिन SC और जो ST कास्ट है उनके लिए 35% है। और यहाँ पे एक और, यहाँ पे बुक्स अलाउड नहीं है, आप कोई भी मटेरियल नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे सिर्फ बैर एक्ट अलाउ है। और बैर एक्ट अलाउ है तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आप बिंदास होके आप बैर एक्ट खोलो और उसे आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और स्टेजेस के बारे में बताती हूँ, AIBE का जो स्टेजेस है वो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर एक फी का प्रोसेस है, मतलब कि बोल सकते हैं कि पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। फिर है AIBE एडमिट कार्ड, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है पेमेंट होती है, पेमेंट आपको ड्राफ्ट करना होता है, पेमेंट हो गया उसके बाद AIBE जो बार काउंसिल है वो एडमिट कार्ड इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जाम, उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आइए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस देखने के बाद आप सबको ये बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी जिसे फॉलो करके आप AIBE क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि IPC, CRPC, एविडेंस, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सब्जेक्ट है इसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, 10 मार्क्स, इंडियन पिनल कोड 8 मार्क्स, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 10 मार्क्स, CPC
सिविल प्रोसीडियर कोड 10 मार्क्स, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स, एडीआर 4 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट 4 मार्क्स, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स, साइबर लॉ 2 मार्क्स, लेबर इंडस्ट्रियल लॉस 4 मार्क्स, लॉ ऑफ टॉर्ट एमवी एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 मार्क्स, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 मार्क्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 मार्क्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस 2 मार्क्स। यानी कि टोटल इसमें 19 सब्जेक्ट है AIB 17 में टोटल 19 सब्जेक्ट है और इन 19 सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि देखिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको चुनना है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो एलएलबी में आपको पता है आप एलएलबी कर चुके हैं, ठीक है, तो एआईबी का आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें से कौन कौन सा है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंडियन पिनल कोड 8 मार्क्स, ध्यान से सुनिएगा। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड CRPC 10 मार्क्स, CPC यानी कि सिविल प्रोसीडियर कोड 10 मार्क्स, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स और फैमिली लॉ 8 मार्क्स। तो सबसे पहले अगर आप पास मार्क देखिए 40 है, मैंने आपको बताया ही है। तो अगर आप ये आप मार्क्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए जैसे 10 मार्क्स है, IPC का 8 मार्क्स है, CRPC का 10 मार्क्स है, CPC का 10 मार्क्स है, एविडेंस एक्ट का 8 मार्क्स है, फैमिली लॉ का 8 मार्क्स है। तो सबसे पहले आपको यही सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको आईपीसी देखना है, इंडियन पिनल कोड, सारे सेक्शंस आपको देखने हैं आईपीसी के अंदर। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड CRPC बहुत इंपॉर्टेंट है, CPC। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको AIB क्लियर करना है तो आप इन सब्जेक्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन लॉ, ADR वो सब आप बाद में देखिएगा, वो सब आप तुक्का भी मारेंगे तो चलता है, क्योंकि वो सब सिर्फ 2 नंबर का आता है, 2 या 3 मार्क्स का हार्डली। अगर AIB क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पिनल कोड, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, CPC, लॉ ऑफ एविडेंस और फैमिली लॉ। तो 54 मार्क्स इसमें से हो रहा है। अगर ये 54 मार्क्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पास मार्क तो ऐसे ही उठ जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस, फैमिली लॉ, ये सब सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। CPC और CRPC बहुत इंपॉर्टेंट है, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं बार बार, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस, फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 5-6 सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से देखेंगे जिसमें मार्किंग ज्यादा है, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, 10 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आप सबको कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप AIB क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल अपना रेडी रखना है। जैसे कि मान लीजिए 31 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप बाजार जा रहे हैं बैरेट खरीदने के लिए 28, 29 या 30 को या 26 को आप जा रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 31 को एग्जाम है तो मेक श्योर कि 20 अक्टूबर तक आपके पास जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपके पास हो, ठीक है। तो पहले आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, नो विच टॉपिक्स टू कवर फर्स्ट। सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो फेल हो जाते हैं, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कैरी राइट बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट तो बहुत होते हैं, आप जो तो किताब उठा करके तो आप नहीं जा सकते, आपको बेयर एक्ट एकदम सही से चुनना है कि कौन सा बेयर एक्ट आप लेके जा रहे हैं, कौन सा नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। और एक बात, बेयर एक्ट में इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्स अगर आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट का तो इंडेक्स से आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। और एक बात, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं, AIB 16, AIB 15, AIB 14, AIB 13, जितने भी प्रीवियस ईयर के AIB हो चुके हैं, AIB एग्जाम हो चुके हैं, सबके क्वेश्चन पेपर को लीजिएगा और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक बात, छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना AIB के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो ये सारा का सारा जो भी नोट्स जो भी मैंने आपको बोला है वीडियो में, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC और एविडेंस
ये सब में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपकी AIB के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो यही AIB का ही टॉपिक होगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल गो विथ लॉ से, बहुत सारा प्यार करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है उसको हिट करिएगा, तभी नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचेंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AIB के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।